हाय स्टूडेंट्स, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं हमारे बच्चे का जेई रिजल्ट क्यों नहीं आता है। हमारा बच्चा तो 10th स्टैंडर्ड में 95% था, 98% था, 99% था, अब जेई में फॉल्टर क्यों होता है। अब देखोगे जेई में निकलने का मतलब जेई मेन्स एडवांस पूरा पास आउट होने का जो चांस है, जो प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 0.01%। वाई? वेरी फर्स्ट थिंग, स्टूडेंट का एब्सेंटिज्म इन द क्लास। पेरेंट बोलेगा सर एक दो बार तो एब्सेंट हुआ था, बाकी पूरे साल प्रेजेंट था। नहीं, पेरेंट्स को और बच्चों को समझना पड़ेगा, अगर आप एक भी दिन एब्सेंट होते हो, इफ यू आर एब्सेंट इवन फॉर वन डे, इट रिजल्ट्स इन नॉन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 days। वो जो कनेक्टिविटी होती है, एक लेक्चर मिस किया तो अगला लेक्चर उससे कनेक्टेड होता है। अब वो लेक्चर बच्चे ने अटेंड ही नहीं किया तो उसे अगले 4-5 लेक्चर कुछ समझ में नहीं आएगा। वो जो कंसेप्ट्स का फिर वॉइड क्रिएट होगा, जो होल क्रिएट होगा, वो आगे के चैप्टरों में भी प्रॉब्लम देगा। तबीयत इश्यू होता है, वोमिटिंग हो गया या सर्दी जुकाम हो गया, बुखार हो गया, तो इसमें पेरेंट्स की भी एक ड्यूटी आती है कि ये जो 2 साल हैं इसमें बच्चे के खाने पीने पे, बच्चे के रहन सहन पे, बच्चे का घूमना, कौन से मौसम में कहाँ हो आप, ये सारा ध्यान रखना पेरेंट्स का ड्यूटी है। स्पाइसी फूड अवॉइड करना होता है ताकि आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना आए ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स। हमने देखा है नॉर्मली कोई भी बच्चा 100% प्रेजेंट रहता ही नहीं है, और जो 2-4 रहता है उसका पक्का रिजल्ट बनता है। देयर रिजल्ट इज ऑलवेज देयर। इनफैक्ट जिन बच्चों ने 300 आउट ऑफ 300 क्रॉस किया, 295, 296, 298, उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाके उनका अटेंडेंस रिकॉर्ड देखो, 100% था। यस, मैंने पता किया है, दैट इज व्हाट माय ऑब्जर्वेशन इज। अगर हम पूरे 2 साल में एक भी बार एब्सेंट होते हैं, मतलब हम JEE में क्लियर करने का, मतलब एडवांस लेवल तक पार कर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये जो एब्सेंटिज्म है, पेरेंट्स को बहुत लाइट लगता है ये, अरे 11th खत्म हुआ, 12th चालू होने में कुछ दिन है, हम घूम के आते हैं। कोई कोई तो फॉरेन घूमने चले जाता है। गाइस, ये घूमने का टाइम नहीं है, ये जो 2 साल है ये इतना क्रिटिकल है, घूमना नहीं होता इसमें। आपके बच्चे को उल्टा इसमें जो बैकलॉग्स हैं, जो पहले आपने 11th के टॉपिक्स जो आप नहीं पढ़ पाए या बाकी हैं वो करो, अगर सब कर लिया तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो। बहुत कुछ करना होता है इन दिस पीरियड। पर डे का टारगेट बनाना होता है एवरी स्टूडेंट को कि एक दिन में मैं इतने MCQ करूंगा। यहाँ तो कोई 20-20 MCQ भी कर ले पर सब्जेक्ट तो भी बोलता है मैंने बहुत पढ़ाई किया। इनफैक्ट पर सब्जेक्ट 100 MCQ रोज करोगे तब जाके आप JEE एडवांस के लायक बनोगे। तो एब्सेंटिज्म ये अवॉइड करो, रोज का टारगेट सेट करो कि मैं दिन का इतना MCQ पर सब्जेक्ट करूंगा। क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा है, बहुत सारे बच्चे उसी टाइम पे बैग खोल के पेन ढूंढ रहे हैं, बैग से बॉटल निकाल के चालू लेक्चर में पानी पी रहे हैं, बहुत कुछ होता है। मतलब स्टूडेंट में कॉन्सेंट्रेट करने का 1.5 आवर उतना कैलिबर नहीं है। ऐसे स्टूडेंट वो होते हैं जिनका 15 to 20 minutes का कॉन्सेंट्रेशन पीरियड होता है, उसके बाद उनको एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, भले वो पानी का ही क्यों ना हो, मुझे पानी की प्यास लगी है, वो भी एक डिस्ट्रैक्शन ही होता है। आप ब्रेक में करो ना जो भी आपको करना है, यू कैन डू। मोबाइल का जो यूज होता है वो इतना बुरा नहीं है अगर वो इफेक्टिवली यूज किया जाए तो। आप मोबाइल पे YouTube पे जाके किसी टॉपिक का या किसी कंसेप्ट का नाम तो लिखो,
आपको कम से कम 100-200 वीडियो मिल जाएंगे उस कंसेप्ट पे। ये सब वॉच करो रादर देन क्रिकेट एंड फिल्म्स एंड ऑल, ये सब वॉच करो। तो ऐसी कुछ फ्यू इम्प्रूवमेंट्स इफ यू कैन ब्रिंग इन योर सेल्फ, डेफिनेटली आपका JEE रिजल्ट ब्राइट होगा। थैंक यू।